नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं कृषि उत्पादन समिति सादाबाद जनपद हाथरस में। यहां नए आलू की खरीद फरोख्त का क्या है माहौल, किसान भी हैं और व्यापारी भी हैं, इनसे ही पूछेंगे क्योंकि नए आलू की क्या कीमतें बढ़ी हैं या गिरी हैं, पुराने आलू की क्या स्थिति है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में ही बेल आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लें और चलते हैं पूछते हैं क्या है इस बार नए आलू का रुझान और पुराने आलू में क्या स्थिति चल रही है। किसान भी हैं, व्यापारी हैं, सभी से पूछेंगे और पहले मेरे साथ में किसान हैं उनसे ही पूछ लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? महीपाल नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? कोंकणा कलाते। क्या इस बार रुझान देखने को मिल रहा है? भैया जहाँ तो मट्टी खराब हो, बहुत बुरी तरह आते हैं, मतलब 20 कट्टा भी ज़्यादा पैदावार भैया है और 6 रुपये किलो आलू बिक रहा है। कौन सा आलू किया था आपने? हमने आलू किया ख्याति। कितना प्रोडक्शन हुआ था, कितनी लागत लगी थी उसमें? हमारी जो वाले 20,000 रुपये महीने बिया की लागत लगी। इस वक्त नहीं बिक पा रहा है? ना बिक पा रहा हूँ। कैसे तो, क्या और जो भी किसान हैं वो आपके आसपास कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। यही स्थिति है। पुराने आलू की क्या चल रहा है? पुराना आलू तो भैया हमारे फिग्गो का आ गए थे, 250 कट्टा। नए आलू में क्या रुको देखने को? नए आलू में यही रुको देखे पका गए थे, मारना लेकर रहो 20 कट्टा भी आलू लेकर रहो। तो फिर जब 20 पैकेट का बीघा निकल रहा है तो दाम बढ़ने चाहिए, फिर कैसे कम है? अब का भगवान वाले के सरकारी वजह थे कम है, सरकार को सरकार है बस। सरकार पे क्या है? सरकार पे जे ये है जो कम से सरकारी ऊपर तो होते ही है, रेट बढ़ाओ रेट डाउन करो। पुराना आलू पी लो ज़्यादा तरीका आते तो। पुराना आलू ख़त्म नहीं हो रहा है अभी? ना है। तो मेरे साथ में और भी किसान हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, सरकार से मुझे याद आ गया, कल केंद्र सरकार ने एक नई घोषणा कर दी है, ऑस्ट्रेलिया से 10 रुपये प्रति लीटर का दूध आयात किया जाएगा और पूरे देश में 20 रुपये से लेकर 22 रुपये लीटर की आपूर्ति की जाएगी। ऐसे में जो देश के पशुपालक किसान हैं, जो दूध का उत्पादन करते हैं, अपने पशुओं से बेचते हैं, उनके साथ में अन्याय है कि नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्योंकि सरकार ऑस्ट्रेलिया से दूध मंगाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी हमारे देश के किसानों को बर्बाद करने के लिए। एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, दूसरी तरफ किसानों को ही ज़मीन में घुसाने का काम करती है। इस तरीके की दोगुनी की नीति जो सरकार अपना रही है वो काफ़ी कष्टदायी है। यहाँ आम लोगों को तो राहत मिलेगी, 20-22 रुपये लीटर दूध मिलेगा, लेकिन किसानों को क्या मिलेगा? किसानों को तो उनका जो 30 रुपये लीटर 32 रुपये लीटर दूध बेचा जा रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी है, वो तो और ज़्यादा गर्त में चले जाएंगे। क्योंकि जब 20 रुपये लीटर फुटकर में बिकेगा तो जो कंपनियां हैं दूध की वो किसानों से 12 रुपये लीटर खरीदेंगी, तो ऐसे में किसान तो बर्बाद होगा। महंगाई चरम पे, आलू पर आपका कोई भी स्थिति सही, लेकिन सरकार अपने उसको ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। किसानों से पूछ लेंगे, दादा इस वक्त जो मेरा नाम विजेंद्र गांव थलुवाड़ी है, थलुवाड़ी से आए हैं, तो एक बात बताइए, सरकार ने ये जो निर्णय लिया है 10 रुपये लीटर खरीद के 20 रुपये लीटर फुटकर में, तो आपको क्या लग रहा है, सही है ये निर्णय? ऐसा लग रहा है साहब, स्वाप है कि मतलब जो किसान इतने खुराक को ना आए रहो, दूध खुराक को नहीं है साहब, न्याल को नहीं है, और तो मरे जानते हैं पहाड़ी बिजार गेहूँ ने खाई जाए रात भर निकल जानते हैं साहब। आज टमाटर बिके काली थे मध्य बिके इंसेंट में बिके टमाटर बताओ। मेरा सवाल ये है आपसे, जो सरकार ने निर्णय लिया है आपकी आय दोगुनी करने का, ऑस्ट्रेलिया से दूध मंगाने का, आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? विरोध करते हैं साहब, भाई तेरा हमारे यहाँ दूध कर ले लो, गलत है सरकार ने जो निर्णय लिया है, दूध तो हमारे यहाँ कर ले लो है। चलिए किसान आसान मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। कहाँ से आए हैं? कुकटई से। कुकटई से आए हैं, तो क्या रुझान चल रहा है इस वक्त आलू का? आलू पुराना बिक रहा है, इसलिए नया आलू जो पैदा हो रहा है वो जो है 6-7 रुपये किलो में बिक रहा है, उसकी मट्टी खराब हो रही है और जिस इसकी तो मट्टी खराब ही रहेगी आगे चले गए। क्यों ऐसा क्यों? अब जो नवंबर जनवरी तक आलू चल रहा है पुराना, तो नए आलू के रेट कहाँ से बन जाएंगे? नया आलू 18 से 20 पैकेट का प्रति बीघा का निकल रहा है, तो ऐसे में जब आलू की उत्पादन कम निकल रहा है तो ऐसे में दाम बढ़ने चाहिए थे, फिर कम क्यों हो रहे हैं? कम इसलिए हो रहे हैं कि पुराना आलू नहीं खत्म हो रहा है, फिक रहा है, उसको खा रहे हैं लोग, पुराने आलू को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। हाँ, ज़्यादा अहमियत पुराने को दे रहे हैं। मेरे साथ में व्यापारी भी मौजूद हैं और चूंकि यहाँ पर आवक भी अच्छी हुई है, पूछ लेते हैं इनसे कैसी आवक है, क्या है और स्थिति क्या चल रही है। जी चाचा, हाँ मंडी में माल कम आ रहे हैं, कम आने के बावजूद भी पुराने माल होने की वजह से बाजार नहीं बन रहे, 6 रुपये किलो के आलू बिक रहे हैं और
किसान तो पहले से ही परेशान है, पुराना माल पड़े होने की वजह से इस नए आलू की कोई डिमांड नहीं है, कोई उठाव नहीं है। अब माल तो 150-50-40 इकट्ठे आती हैं तो मंडी में कमती बढ़ती बेचने पड़ती हैं, तो कुल मिलाकर ये कहानी ख़राब है। पहले से किसान पटा हुआ था, अब ये मद्दे ने और कमर तोड़ दी। गाय बाजारों से परेशान, यूरिया DAP से परेशान, किसान तो देखो हर तरह से परेशान ही है, सच्चाई तो ये। इसे कहाँ देख रहे हैं जो सरकार ने दूध मंगा रहे हैं? नहीं, दूध के बारे में तो देखो जो बात है ना, मेरी जानकारी में अभी कहानी आई, जो भी स्थिति होगी वह सब सामने आई। बहरहाल दूध का भी मसला ये है, किसान को अगर रात और खल और बिनौले के पैसे लगा ले तो दूध में भी किसान को कुछ नहीं मिल रहा। किसान तो कहाँ, आप पहले भी नहीं मिल रहा और आगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। किसान का तो जीवन ही कुल मिलाकर ये अंधकार में है। हम तो केवल बस इतना कहना चाहेंगे, किसान पहले गाय बाजारों से परेशान है, DAP से परेशान, यूरिया से परेशान, भाई किसान तो कुल मिलाकर ये परेशान है, अंधकार में है भविष्य किसान का कुल मिलाकर ये। अगर बात करें आपके आड़त पे, तो कौन कौन से आलू की आवक हो रही है, पुखराज, ख्याति या 302, क्या क्या अलग अलग? केवल ख्याति के 50-40 इकट्ठे आए और वो भी बिके से ना बिक रही। उसकी वजह ये है कि पुराना आलू 100-100 रुपये के, 60-60 रुपये के बिक रहे हैं, 80-80 रुपये के, 125-125 रुपये, 150-150 रुपये, तो पैका लेना यार, बात ये है। आगे क्या स्थिति बन सकती है? आपका आंकलन रहा होगा कि आगे 2022 यानी कि आज 2022 की 2 तारीख होगी, 2 जनवरी है, तो आगे जब खुदेगा या पूरी साल का आपने एनालिसिस पहले कर लेते हैं आप व्यापारी वर्ग, तो कैसा आपको लग रहा है इस बार? हालात बढ़िया नहीं है, आप खुदाई चालू हों तब स्थिति पता पड़ेगी पैदावार कितनी। अभी तो कोई 20 कट्टे बताता, कोई 15 पैकेट बताता, फिलहाल हालात बढ़िया नहीं है। अब बाकी साहब ईश्वर के हाथ में क्या हो। जैसे आलू का जब प्रोडक्शन होगा, जब खुदाई शुरू होगी, कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा, तो आप किसानों के लिए क्या नसीहत, क्या गाइड करना चाहेंगे? किसान माल अपना बेचते रहें, बस यही बात है, किसान माल को बेचते रहें, हालात बढ़िया नहीं दिख रहे। बढ़िया नहीं दिख रहे, तो किसान भाइयों, ये व्यापारी थे और आड़त भी है इनकी, ये पूरा यहाँ से ही पूरे ऑल इंडिया को सप्लाई करते हैं, इनकी बातें आपने सुनी होंगी, हालत बढ़िया नहीं है 2022 में। अभी प्रोडक्शन कितना निकलता है ये बात देखने वाली होगी, लेकिन इनका कहना है कि इस वर्ष आलू की अधिकता हो सकती है, तो इस किसान जो हैं अपना आलू अपने सामर्थ्य के अनुसार निकालते रहें धीरे धीरे। क्या स्थिति रहने वाली 2022 में आलू की? कोई आइडिया नहीं आगे का, अब फिगरा है आलू मद्दा फिगरा है, तो आगे का भविष्य तो खराब ही है, और किसान का तो भविष्य हमेशा खराब ही रहेगा। सरकार दूना करना चाहती है आए, लेकिन दूनी न करके किसानों के लिए एक तो भाव ला रही है कि जो दूध लेके बाहर से आ रही है उसको 10 रुपये किलो में ला करके 15-20 में बेचेगी तो किसान तो मर जाएगा। उसके चारे का, उसके दाने का, उसका मेहनत का कुछ भी नहीं मिलेगा घर से, और खिलाना पड़ेगा, भीख मांगेगा किसान। आप इस वर्ष जो है अगर देखा जाए तो आलू के पैदावार पे फ़र्क पड़ सकता है? हाँ, पैदावार अगर आगे चल के खुदाई होगी, खुदाई पे पता पड़े कि आगे क्या पोजीशन बननी है, लेकिन आज की हालत से तो ऐसा लगता है कि ये आलू की पोजीशन अच्छी नहीं रहनी है। तो इससे जब आलू की कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी तो आप क्या गाइड कर सलाह देना चाहेंगे किसानों को? किसानों सलाह ये देना चाहेंगे कि जितना जल्दी फसल में बिक जाएगा वो दोबारा भाव नहीं मिलता है, आगे चले के तो और गड्ढा में चला जाता है आलू, यानी कुछ भी हो सकता है 2022 में कुछ भी हो सकता है। आलू की पैदावार आगे जो तो आई, आलू की पैदावार 15-20 कट्टे की आगे चले के ज़्यादा पैदावार होगी, आलू फिर जाएगा। शुरुआत में 15-20 की निकल रही है, तो आप आंकलन कर रहे हैं कि ज़्यादा हो जाएगा? आगे ऐसा है जो समय से पहले घटता है आलू खुदाई के लिए, उसमें पैदावार कम आती है, और टाइम पे घटता है उसमें पैदावार 50-60 की आती है। फिर बात चलिए, ये थे मेरे साथ में किसान साथी, किसान मौजूद हैं, और ये जो आड़त है यहाँ पर 3 किस्म की वैरायटियों की आवक हुई है, पुखराज है, ख्याति है, FL55 है। पूछ लेते हैं क्या क्या रेट लगे हैं और 2022 की स्थिति कैसे होने वाली है, क्योंकि किसान ही किसान की वेदना जानता है। अगर आप 2022 में 2021 जैसा कर बैठे कि 2 दिन रोक लें या 3 दिन रोक लें, तो हो सकता है कि इस वर्ष जो है आपको 2021 जैसी स्थिति का सामना करना पड़े, क्योंकि नया आलू जो खुद रहा है वो 20-25 पैकेट का बीघा निकल रहा है, और ऐसे में आप लोगों को क्या मिल सकता है? आलू की खेती जो है अब घाटे का सौदा हो गई है, क्योंकि इसमें लागत बहुत आती है और इसमें पैसा रिकवर नहीं होता है। आपने कितना प्रोडक्शन किया है? मेरे 10 बीघा आलू हैं, और मैं देख रहा हूँ 20-22 कट्टे के भी आलू निकल रहा है, क्योंकि पैदावार बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन रेट कम होने की वजह से किसान को बहुत घाटा होता है। पैदावार कम निकल रही है तो रेट में तो बढ़ोतरी होनी चाहिए, फिर उल्टा कैसे हो रहा है? उल्टा नहीं हो रहा है, पीछे से जो दूसरे प्रदेशों से जो माल आ रहा है पंजाब वगैरह से, तो उसकी वजह से आवक बहुत ज़्यादा है।
2022 को लेकर कैसे आशावित हैं आप? 2022 में जिस तरह से लग रहा है उस तरह से कोई विशेष तेजी आने की कोई उम्मीद नहीं है। आज जो मंडी में आप आलू लेके आए हैं वो कौन कौन सी किस्म का आलू लेके आए हैं? ये FL55 है और आपका दूसरा पुखराज है, ये कई वैरायटी आ रही है और 200 से 250 रुपए कट्टे बिक रहा है। बहुत मंदी चल रही है, मंदी चल रही है, किसान को मिल नहीं रहा कुछ, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में किसान जो खोद रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है आपकी? किस बारे में सर? खोद रहे हैं, अभी खुदाई चल रही है, उस बारे में क्या सलाह है, खोदें या ना? ये तो थोड़ा सा ये है कि दूसरी फसल जैसे सब्जियां वगैरह लगाते हैं इसकी वजह से खोद रहे हैं, बाकी खोदने में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बहुत मंदी चल रही है, अब मंदी चल रही है। तो आपको किसानों के लिए क्या गाइड है? किसानों के लिए यही है कि ज़्यादा तेज़ी के इंतजार में नहीं बैठना चाहिए, और अगर उनको थोड़ा सा भी अपना निकल रहा है, अपना मार्जिन निकल रहा है, तो माल को निकालने में ही फ़ायदा होगा, क्योंकि तेज़ी आने के कोई चांस है नहीं। इस वर्ष आपको लग नहीं रहे? नहीं जी। आप किसान हैं फिर क्यों नहीं लग रहे हैं? नहीं, किसान है लेकिन किसान के हाथ में थोड़ी होता है, पीछे से दूसरी जगहों से माल आ जाते हैं और यहाँ कोल्ड वगैरह फ्लो हो जाते हैं, वो माल सप्लाई हो नहीं पाता है, उसकी वजह से मंदी रहती है। हालांकि किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, अभी खुदाई नहीं हुई है और खुदाई होने के बाद ही प्रोडक्शन के बारे में पता चलेगा कितना 2022 में प्रोडक्शन हुआ है। अभी जनवरी 2022 हुई है और फरवरी 2022 से लगेगा अभी 1.5 से 2 महीने का, पूरा 2 महीने का समय ही मान सकते हैं। 2 महीने के बाद में स्थिति का आंकलन करके हम बताएंगे आपको कितना प्रोडक्शन हुआ है। अभी आपने इन सबकी बातें सुनी, अगर आपको इनकी बातों पर कोई भी इफेक्ट है, अगर आपको कोई भी संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख के जरूर बताइएगा और आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइएगा कि आपकी मंडी में क्या स्थिति है। फिलहाल मेरे साथ में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ।